हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये चिकन के बारे में है। आप लोग ने बहुत ही लोग ने चिकन लेग पीस खाने का आदत होगा, पसंद होगा, तो वही मैं उसी का वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोग को सबसे चीपेस्ट चिकन लेग पीस कहाँ पे मिलता है और कितने में मिलता है ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट बिना ज़्यादा बात किए हुए लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ, ये आप रासबिहारी का गुरुद्वारा देख पा रहे हो। इसके बगल में जैसे ये अंकल का शॉप है जहाँ पे ये अंकल अपना स्टॉल लगाते हैं, और ये चीप में तो बेच रहे हैं लेग पीस और पकौड़ा, ये सब है जो आप लोग देख ही पा रहे हो। वो लेग पीस 30 का है, वो 15 का है और ये 10 का है, ठीक है। और आना, विज़िट करना। और ये रहे अंकल, खड़े हैं, देख ही पा रहे हो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये अंकल पहले चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं बेसन और बाकी सब मसाले वसाले डाल के, और मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। और अभी अंकल ने चिकन को फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और ये अंदर पहले ये हाफ फ्राई होगा ऑलमोस्ट। तो ये अंकल ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, ये अभी पूरा दिख ही रहा होगा आपको, ये हाफ फ्राइड हो गया है। तो ये हाफ फ्राई हो गया ऑलमोस्ट। तो अब अंकल इसको अच्छे से निकालेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है हम लोग का। तो अंकल इसको अच्छे से एक छन्नी टाइप में निकाल ले रहे हैं, सो दैट इसका ऑयल जो एक्स्ट्रा वो निकल जाए यहाँ से। तो ये हम लोग का बन के रेडी हो गया है। तो ये आप लोग देख ही पा रहे हो, हम लोग का पूरा बन के रेडी हो चुका है चिकन लेग पीस। और ये हम लोग का पास में पकौड़ा भी हो चुका है छोटा छोटा। तो चलिए आइए अब टेस्ट करके बताते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं, ये शॉप के ऑर्डर है अंकल जो अभी यहाँ पे चीपेस्ट चिकन लेग पीस खोले हैं। तो इनसे थोड़ा बात कर लिए। तो अंकल, ये आपको खुला हुआ कितना दिन हो गया? एक महीना हो गया। एक महीना हो गया होता है तो इतना कम में आप कैसे लेग पीस निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग खुद मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गी काटते हैं, हम खुद मुर्गी काट के बनाते हैं। हम खुद डेली में देते हैं। अच्छा, और डेली का कितना सेल हो जाता है आपके यहाँ पर? 1800 रुपया, 1500 रुपया, 1300 रुपया। और केजी कितना निकल जाता है? कितना एक केजी में आप छोटा करेगा तो 50 ग्राम का होगा, 1 ग्राम का। टोटल कितना केजी का सेल हो जाता है एक दिन में आपका? 5 केजी अभी हो जाता है। अभी तो कम दिया, पूजा का मार्केट है, सबको दुकानदारी का ज़्यादा टाइम ना करेंगे, सब भी हो रहे हैं। हाँ, और पूजा में होगा तो ज़्यादा होगा, पूजा में ज़्यादा होगा। और यहाँ क्या है, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए क्या है? राजबिहारी रोड। हाँ, चिकन लेग पीस का प्लेट रेडी हो रहा है जिसमें ओनियन डाला हुआ है और टोमेटो सॉस, और ये कौन सा सॉस है? वीटा। अच्छा, ठंडाई फ्रूट शरबत डाला हुआ है इसके अंदर, और ये चिली सॉस डाला हुआ था, और एक टोमेटो सॉस। ये 3 सॉस डाल के अंकल अच्छे से सब सर्व करेंगे। ये अंकल पहले इसको अच्छे से फूल कर दे रहा है, और ये पहले से हाफ फ्राई रहता है, अब फुल फ्राई होगा। ये ऑयल के अंदर चले जा चुका है हम लोग का। और ये अंकल कितना मिनट तक रुकना होगा? 5 मिनट। क्या 5 मिनट में ये हम लोग का फ्राई हो जाएगा। पहले ये हाफ फ्राई रहता है, फिर ये फुल फ्राई होगा। तो वही हम लोग का हो रहा है। तो ये मेरे हाथ में चिकन आ चुका है जो 30 रुपये का है, और आप इसका साइज़ देख पा रहे हो कितना बड़ा लग रहा है। लुक एट इट, कितना बड़ा लग रहा है। और ये मुझे 30 रुपये का पड़ा है, और ये कम से कम 150 ग्राम होगा। हाँ, 150 ग्राम का चिकन का लेग पीस का है ये इसका। और ये बहुत अच्छे से रोस्ट किया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। और इसका
स्टफिंग अंकल ने ऊपर से फ्राई करके बस डाला था और कुछ मैरिनेट किया था लहसुन से। और इसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसा लग रहा है ये। ये आप अंदर का चिकन देख पा रहे हो कितना स्पॉन्जी है और ये बहुत ही गर्म है जिसके कारण मैं हाथ नहीं दे पा रहा हूँ। बढ़िया अच्छे से मैरिनेट हुआ है और ये देख पा रहे हो कितना सॉफ्ट है। बात ये है सॉफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है, हम हाथ देने से ये टूट जा रहा है, मतलब बहुत सॉफ्ट है और क्रिस्पी भी है। ये ऊपर का कोटिंग के कारण हल्का हल्का क्रिस्पी लग रहा है। ये हल्का सा मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। टेस्ट में भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है मुझे और क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अंकल ने मे भी ऑयल अजीब डाला है जिसके कारण ऑयल का टेस्ट अजीब बहुत आ रहा है चिकन में और मुझे उतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा अंकल ने दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार आके ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। वन टाइम ट्राई के लिए ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग और खा सकते हो वरना आप कम है, बट चीप में ये अच्छा है, बेस्ट है। मे भी अंकल ने ये जो चिली सॉस और ये पता नहीं कौन सा तंदूरी या क्या सॉस डाला है उसके कारण ये अजीब टेस्ट आ रहा है, तो लेकिन अदरवाइज ये चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये सॉस के कारण मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने बोला नहीं लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि इससे पहले भी मैं एक बार गया था खाने, उसका दो दिन बाद मैं ये वीडियो बनाने गया था। तो इससे पहले जब मैं खाया था तो मुझे क्वान्टिटी भी ज़्यादा मिला था, ठीक है। और इस बार मैं खाने गया तो मुझे क्वान्टिटी भी डिक्रीज़ हो गया है मेरा। पहली बात वहीं पर मेरा वो चिकन लेग पीस देखते ही मेरा मन भटक गया था, मतलब मैं सैड हो गया था कि मैं इतना बड़ा का बनाने आया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो चुका है, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा खटका। फिर अच्छा मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो टेस्ट ट्राई करते हैं। जब मैंने टेस्ट ट्राई किया तो मुझे चिकन प्रॉपरली बेक्ड मिला, अच्छे से मैरिनेट भी था, क्रिस्पी भी लगा चिकन, चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेन उसका था जो अंकल ने जिसमें ऑयल में फ्राई किया, जिस ऑयल में अंकल ने फ्राई किया वो मे भी दो तीन दिन कंटिन्यूस अंकल वही ऑयल यूज़ कर रहे थे, इसीलिए उसके अंदर का जो फ्राई करने के टाइम वो जो ऑयली रिपीटेड अब यूज़ करते तो क्या होता है अलग टेस्ट आने लगता है ऑयल के कारण। तो मे भी वही टेस्ट मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था, दैट्स वाई मैंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट ऑल दो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो उसके अंदर ठंडाई का सॉस डाल दिया था वो एक्चुअली अंदर उन्होंने ऐसा डाला कि उस पूरा लेग पीस के ऊपर ही आ गया था, तो मे भी उसके कारण भी हुआ होगा, यही है। ऑल दो द टेस्ट वॉज गुड, टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं था, चिकन पूरा अच्छे से था, और बस यही होगा कि अंकल थोड़ा ऑयल चेंज करे और देखे, मे भी आगे अंकल अच्छे करेंगे, अभी नया नया इसलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।